धूप से अगर चेहरे पर टैनिंग आ गई है या चेहरे को इंस्टेंट फेयर करना है तो एक बार इस D10 पैक को ट्राई करके देखो। ये टैनिंग को तो रिमूव करेगा ही, साथ ही हाथ पैरों को भी काफ़ी ज़्यादा साफ करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस D10 पैक को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो जो घर पर यूज़ करते हो, जैसे नेस्कैफे, ब्रू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कॉफ़ी आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद में आपको चाहिए कोकोआ पाउडर। ये कोकोआ पाउडर ज़्यादातर बेकरी की चीज़ों में काम आता है चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच कोकोआ पाउडर। ये कोकोआ पाउडर आपको कहीं भी किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पर मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हो 4 विटामिन E कैप्सूल्स का ऑयल। और फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच शहद। इन सबको एक बार हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे जब तक ये चारों ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स होकर एक पेस्ट के फॉर्म में नहीं आ जाती। और जैसे ही आपका ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तभी आप इसमें 1 से 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर दो और उसके बाद में इसे वापस से मिक्स कर लो और एक थिक सा पेस्ट बनाकर इसे तैयार कर लो जिसे हम अपने चेहरे और हाथ पैरों पर लगा सकें। और बस जो हमारा D10 पैक है वो बनकर तैयार हो गया है। आप आराम से इसे 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो। इसे अप्लाई कैसे करना है, आप अपने चेहरे को पहले पूरी तरह से साफ़ कर लीजिए, मतलब क्लेंस कर लीजिए किसी फेस वॉश की हेल्प से। उसके बाद में इसे किसी ब्रश या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस और नेक पर इवनली अप्लाई कर लीजिए। बाहर जाने आने की वजह से भी हमारा जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा डल और डार्क हो जाता है, क्योंकि धूप की वजह से हमारे चेहरे पर, बॉडी पर टैनिंग आ जाती है, सनबर्न्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा डार्क लगने लगती है। तो उसी डार्कनेस को रिमूव करने के लिए ये जो पैक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप कॉलेज गर्ल हो, स्कूल गर्ल हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर निकलते हैं तभी हमारे फेस पर टैनिंग आ जाती है। तो ये उसे रिमूव करेगा और आपको ये पैक भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एक ही बार में ये उसे रिमूव करके चेहरे को काफी ज्यादा ग्लोइंग भी बना देता है। चेहरे के साथ साथ हमारे हाथ पैरों पर भी काफ़ी ज़्यादा टैनिंग आ जाती है। आप देख सकते हो फिलहाल मेरे जो नक्कल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गए हैं सर्दियों की वजह से। तो मैं इस पैक को अपने इन हाथों पर भी, पूरे हाथों पर अप्लाई करूँगी। ब्रश की ही हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और आप देखोगे वीडियो में कि एक ही बार में जो मेरा हाथ है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इस पैक को लगाने के बाद में आपको इसे छोड़ना है 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद में या तो आप किसी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे साफ कर लीजिए या फिर आप धो लीजिए पानी से। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगी कि देखिए छुटाते ही जो कलर है वो कितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा और आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे शायद कि जो कलर है वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया था, नक्कल्स भी साफ़ हो गई थी मेरी। इसी तरीके से मैं चेहरा भी साफ़ करके दिखाऊंगी। आप चाहो तो वॉश कर लेना, क्योंकि आपको लाइव रिजल्ट नहीं दिखाने, आप खुद देख लेना कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है स्किन की कलर कॉम्प्लेक्शन में। आप इसे एक बार लगाओगे तभी आपको रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि काफी हद तक जो आपकी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। और अगर टैनिंग नहीं भी है तो ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस देगा और साथ ही जो आपकी स्किन है उसको काफी ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, यानी हफ्ते में या 15 दिन में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेज और आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। आपके चेहरे पर अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, तो ये आपकी स्किन को टाइटन करके उनको भी रिड्यूस करता है। आप इस D10 पैक को एक बार बनाकर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।